नमस्कार, वीएमआर भारत टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष पंचोली आपके साथ। शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास और अहम खबरों के साथ। बात करेंगे आज हम मध्य प्रदेश की राजनीति की। मध्य प्रदेश की राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। मध्य प्रदेश विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का लेकर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही मुकुल रोहतगी की ओर से कहा गया कि वो एजीआर के मामले में सुनवाई को लेकर जाना चाहते हैं, जिसके बाद उनकी बात मान ली गई, जिसके प्रदेश में मसले को देकर दोपहर सुनवाई होगी। कमलनाथ सरकार को पक्ष रखते हुए कपिल सिब्बल ने अपना जवाब देने के लिए कल तक का समय मांगा था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही मुकुल रोहतगी की ओर से कहा गया कि वो एजीआर के मामले में सुनवाई के लिए जाना चाहते हैं, जिसके बाद अदालत ने उनकी बात मान ली। अब मध्य प्रदेश के मसले पर दोपहर बाद सुनवाई होगी। कमलनाथ सरकार का पक्ष रखते हुए कपिल सिब्बल ने अपना जवाब देने के लिए कल तक का समय मांगा था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दोपहर तक का सुनवाई के लिए टाल दी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड, जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच कर रही है। एक तरफ भाजपा ने बहुमत परीक्षण करवाने के लिए अदालत का रुख किया है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी अपने बागी विधायकों की तलाश के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। दूसरी ओर आज सुबह कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह बागी विधायकों से मिलने के लिए बेंगलोर पहुंचे। होटल में बागी विधायकों से नहीं मिलने की स्थिति में वे होटल के बाहर धरने पर बैठ गए, जिस पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। इसके बाद वे भूख हड़ताल पर बैठ गए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बेंगलोर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने किया। हम और मैं एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह, जो कि राज्यसभा के इलेक्शन का कैंडिडेट हूं, 26 तारीख को वोटिंग है। मेरे 22 एमएलए यहां पर रोके हुए हैं।